कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संदीप माकिन ने जिला वासियों से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की अपील के क्रम में, उनके निर्देशों क्रम में ही आज 6 तारीख को स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के जिला प्रतिनिधि उपस्थित हैं। उनके समक्ष उनको CDs दी गई हैं और उनको BLAs अपॉइंट, तत्काल BLAs अपॉइंट करने के विषय अवगत कराया गया। आज प्रारूप प्रकाशन भी हुआ है मतदाता सूची का, 6 तारीख है, आज शनिवार है, और दावे आपत्तियां जिसको भी देनी है वो 6 तारीख से लेके 22 जनवरी तक दे सकता है। इसमें जैसे आज 6 तारीख है तो अगले शनिवार 13 तारीख, उससे अगले शनिवार 20 तारीख को स्पेशल कैंप भी होंगे जिसमें घर घर जाते हैं। दावे आपत्ति जो आएंगे 22 तारीख तक उनका निराकरण संबंधित जो हमारे SDM AROs कहलाते हैं, जो वो इलेक्टोरल रोल ऑफिसर्स है ना, जो है वो उसका निराकरण 2 फरवरी तक करेंगे और निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन जो है वो 8 फरवरी को होगा। BLA की बात मैंने बता दी, ये भी इनको अवगत करा दिया कि कोई दोहरी प्रविष्टि हो, कोई मृतक के नाम चढ़े हो, कि अब बहू कोई आ गई गांव में शहर में और बेटी कोई चली गई, तो वो सारे नाम ये लोग अवगत कराएं जिससे कि उनका जोड़ना या घटाने का काम हो जाए। इन्हें ये भी अवगत सबको कराया गया है कि टोटल जिले के 707 पोलिंग स्टेशन हैं, सेवड़ा के 221, भांडेर के 229 और दतिया विधानसभा के 257, जिसमें 318,838 पुरुष, 282,612 महिलाएं, थर्ड जेंडर के 20 लोग, कुल 601,470 मतदाता हैं हमारे, जो हमारा EP रेशियो है यानी टोटल जनसंख्या के विरुद्ध कितने लोग वोटर हैं तो 61.4 है, यानी 1000 जनसंख्या में 614 वोटर हैं। साथ ही साथ ये भी इनको बताया कि जेंडर रेशियो इस मतदाता सूची में कितना है, तो जेंडर रेशियो ला हर 1000 पुरुष में 886 महिलाएं अपने यहाँ हैं जो मतदाता सूची में दर्ज हैं। 955 हमारे सेवा मतदाता हैं, 80 प्लस आयु के 7006 मतदाता हैं, दिव्यांग मतदाता PWD जिसे कहते हैं 3966 हैं, और 18 से 19 साल के जो नए मतदाता हैं 14510 हैं, और 20 से 29 साल के जो मतदाता हैं 141364 हैं। तो ये मोटे तौर पे डेटा जो इनको दिया भी गया है, पॉलिटिकल पार्टीज को CDs भी दी गई हैं, सारी जानकारियां इनको प्रदत्त करके विनम्र अनुरोध किया गया है कि BLAs की नियुक्ति तत्काल करें ताकि इनके BLA को हमारा BLO मतदाता सूची देगा और फिर गांव के अंदर उसमें जो भी अमेंडमेंट हो वो आप लोग की देखरेख में हो जाए, हम लोग तो देख ही रहे हैं। यही अनुरोध है कि इसमें अधिकाधिक सभी लोग भाग लें और शुद्धतम मतदाता सूची होगी तो शुद्ध चुनाव होंगे, जो जनता चुनेगी सिलेक्ट होगा। तो इसलिए मतदाता सूची प्रारंभिक सबसे बेसिक चीज है जो कि शुद्ध होनी चाहिए, और उस शुद्धता के लिए हम प्रतिबद्ध भी हैं और कटिबद्ध भी हैं।